हमारे देश में नौकरशाहों में एक बड़ी, उनके बारे में ज्यादा कहना ठीक नहीं है, आईएएस वगैरह क्वालिफाई करके आते हैं, अपना घर बनाना होगा तो 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे। ये जो नौकरशाह जब अपना घर बनाते हैं तो 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे और 10 लोगों का घर जाके देखेंगे और किसी एक के घर की नकल भी नहीं करेंगे, किसी एक के घर की ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, किसी के बेडरूम की नकल करेंगे, किसी की किचन की नकल करेंगे और कोशिश करेंगे जो 10 घर देखा उन सबसे बढ़िया घर मेरा बने। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होता है तो ये नौकरशाह 10 देशों का कानून नहीं देखते, ये नहीं देखते कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन वाला कहां है, ये नहीं देखते कि रेरा जैसा कानून दुनिया में जो चल रहा है वो सबसे बेहतरीन कौन सा है, ये नहीं देखते कि ड्रग स्मगलिंग के मामले में दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून कहां है। सिंगापुर के जस्टिस सिस्टम एक बहुत नॉर्मल सा वहां सिद्धांत अपनाते हैं, उनका यह कहना है कि जो अपराध एक्सीडेंटल हो जाते हैं, क्षणिक इमीडिएट रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड रेजिंग हो गई, गुस्सा आया, गोली मार दिया, उसको वो गंभीर अपराध नहीं मानते। उनका यह मानना है जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है वो गंभीर अपराध है। सिंगापुर की बेसिक फिलॉसफी यह है कि जो क्राइम पैसे के लिए किया जाता है वो अनप्लान्ड नहीं होता, एकाएक नहीं होता, क्षणिक आवेश में नहीं होता, वो बड़े प्लान करके होता है, और जो अपराध प्लान करके किया जाए उसमें कोई माफी नहीं और उसमें कठोर दंड होना चाहिए। और उनका यह भी कहना है सिंगापुर का और खासतौर पर जापान का भी, जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है उसमें 100% प्रॉपर्टी जरूर जब्त करना चाहिए। जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त, जो अपराध देश के लिए खत्म किया, देश के खिलाफ होता है उसमें प्रॉपर्टी भी जब्त और नागरिकता भी खत्म। भारत में कितनी बार जासूसी की घटनाएं हो गई, किसी जासूस की नागरिकता खत्म हुई, जर जोर से बोलिए। जासूस पैसे के लिए काम करता है ना, किसी जासूस की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, किसी जासूस की नागरिकता खत्म हुई, किसी जासूस को आजीवन कारावास फांसी हुआ, कानूनी नहीं है। ये जो 500 लोग बीमार हुए नकली शराब पी के, वो पैसे के लिए किया गया ना, नकली शराब बनाई कैसे, पैसे के लिए। क्या उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, नहीं। आजीवन कारावास फांसी हुआ, नहीं। नागरिकता खत्म हुई, नहीं। 5 साल सजा और 10,000 रुपए जुर्माना। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान नियम कानूनों को बदल के हो सकता है, 80% समस्याओं का समाधान भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन करके हो सकता है, 80% समस्याएं मानव निर्मित हैं और मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। भूकंप लाइलाज हो सकता है, बाढ़ लाइलाज हो सकता है, सुनामी लाइलाज हो सकती है, दैवीय समस्याएं लाइलाज हो सकती हैं, लेकिन मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं। इलाज कैसे आएगा, इसकी दवाई कैसे बनेगी, दवाई स्वाभाविक सी बात वहीं बनेगी, संसद में बनेगी, विधानसभा में बनेगी। भारत में कुछ समस्याएं पूरे देश में हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए सजा अलग अलग होती है। आर्टिकल 14 को आप लोग पढ़िए, आर्टिकल 14 में लिखा है स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ आर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था 75 साल पहले हम जो संविधान बना रहे हैं आने वाले टाइम में कैसे कैसे लोग और समाज में आ जाएंगे, तो उन्होंने उस समय के हिसाब से बनाया। आर्टिकल 14 में एक शब्द जोड़ दिया जाए जहां लिखा है आर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अगर एक शब्द जोड़ दिया जाए एंड शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड शैल सिक्योर, 2-3 वर्ड जोड़ना, एंड शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इतना करते क्या होगा कि समस्या अगर राष्ट्रीय होगी तो समाधान राष्ट्रीय स्तर पे होगा। अब ग्राहक प्रोटेक्शन में एक बड़ी दिक्कत यह भी आ रही है, कानून हमने घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, अवैध निर्माण का अलग कानून,
जितनी समस्याएं हैं उतना हमने कानून बना रखा है। जस्टिस सिस्टम की शुरुआत कहां से होती है? थाने से। थाने में एफआईआर कौन लिखता है? कांस्टेबल। कांस्टेबल कितना पढ़ा है? जोर से बोलिए जरा, 12वीं पास। अब हम 12वीं पास कांस्टेबल को चाहते हैं कि वो सारे 50 कानूनों का जानकार हो। अरे भैया, कानून अगर हमारे इतने अच्छे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला अलग क्यों होता है? हाई कोर्ट का अलग क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट का अलग क्यों होता है? अरे जो कानून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो अलग फैसला दे रहे हैं। हाई कोर्ट वाला अलग दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट वाला अलग दे रहा है। वो हम चाहते हैं वो कानून 12वीं पास कांस्टेबल को क्लियर हो जाए और एफआईआर बढ़िया लिख दे। नहीं हो सकता। हमने जुडिशियल रिफॉर्म पे काम नहीं किया। ग्राहक जो कि 100% सारे भारतीय ग्राहक है, छोटा बच्चा 1 साल वाला जो दूध पीता है पाउडर वाला, वो भी ग्राहक है। अल्टीमेटली पाउडर तो उसके लिए आ ही रहा है, उसका तेल का मसाज हो रहा है, वो भी ग्राहक है। तेल उसकी आ रही, खरीद के आ रही है, तो छोटा बच्चा भी ग्राहक है। उसका प्रोटेक्शन कैसे हो? प्रोटेक्शन में हमें लगता है संविधान में 2 बदलाव करना पड़ेगा। आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 14 में डालना पड़ेगा स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी हमने स्टेट के ऊपर ड्यूटी नहीं डाली। आर्टिकल 14 में जैसे डाल देंगे स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वैसे ही भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड लागू हो जाएगा, वन नेशन वन पिनल कोड लागू हो जाएगा। अभी भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड नहीं। अल्टीमेटली हम किसी लॉ का एनफोर्समेंट कैसे कराते हैं? मिलावटखोरी होगी, कालाबाजारी होगी, नशा तस्करी होगी, मानव तस्करी होगी, एनफोर्समेंट कौन कराएगा? पुलिस। और पुलिस कहां है? स्टेट सब्जेक्ट। बंगाल की पुलिस अलग काम करती है, दिल्ली की पुलिस अलग काम करती है, यूपी की पुलिस अलग काम करती है। तो जब पुलिस अलग अलग काम कर रही है तो सबको इक्वल प्रोटेक्शन आएगा कैसे? इसलिए आवश्यकता यह है कि भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड हो, वन नेशन वन पिनल कोड हो। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आर्टिकल 14 को बदला जाए। और आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए कितना चाहिए होता है? 2/3 बहुमत चाहिए होता है, 2/3 लोकसभा में और 2/3 राज्यसभा में। इस समय जो लार्जेस्ट गठबंधन है वो कौन सा है? एनडीए। उसके पास 2/3 तो छोड़ो, उसको 50% मेजोरिटी भी नहीं उसके पास राज्यसभा में। 50% मेजोरिटी होती है 121, एनडीए के पास 117, यानी 50% से कम है। दूसरा क्या ऑप्शन है? ज्वाइंट सेशन में 2/3 हो। ज्वाइंट सेशन में 2/3 का मतलब टोटल 521 सांसद चाहिए आर्टिकल 14 को बदलने के लिए। 521 में से 117 निकाल दीजिए, कितने हो गए? 400। कितने हो गए? 400। तो यानी लोकसभा में 404 सीट आएगी, 117 राज्यसभा वाले, 404 लोकसभा वाले, तभी आर्टिकल 14 बदल सकता है, तब ग्राहकों का हित संरक्षित हो सकता है। अब की बार दूसरा आर्टिकल 19, ये बिजनेस करने का अधिकार मिला कहां से? आर्टिकल 19 से। राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू बिजनेस कहां से आता है? आर्टिकल 19 से। बोलने की आजादी, एसोसिएशन फॉर्म करने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, रोजगार करने की आजादी कहां से आती है? आर्टिकल 19 से। लेकिन आर्टिकल 19 में कोई लिमिटेशन नहीं दिया। जैसे आप आर्टिकल 25 आप पढ़ोगे जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो उसमें एक लिमिटेशन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी। आप अपना राइट टू रिलीजन फॉलो करेंगे लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर होगा, सब्जेक्ट टू हेल्थ होगा, सब्जेक्ट टू मोरालिटी होगा। यह लिमिटेशन आर्टिकल 19 में नहीं डाला। नतीजा क्या हुआ? आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी है। अब संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था ये बोलने की आजादी को लोग झूठ बोलने की आजादी मान लेंगे। भारत में झूठ बोलना पाप तो है लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। इसीलिए आज तक सफेद पोष सफेद झूठ बोलते हैं तब भी किसी को सजा नहीं होती। क्यों? आर्टिकल 19 उनको राइट दे रहा झूठ बोलने का। व्यापार, संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था
कि व्यापार के नाम पे भारत में हुक्का बार खुलेंगे, व्यापार के नाम पे डांस बार खुलेगा, व्यापार के नाम पे लॉटरी भी चलेगी, व्यापार के नाम पे सट्टा बार भी होगा, व्यापार के नाम पे व्याभिचार शुरू हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था, उनको एक बात दिमाग में आई थी कि हम अगर आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ बिजनेस दे रहे हैं, कहीं शराब का ठेका ना लोग खोलना शुरू कर दें, इसलिए आर्टिकल 47 में मना कर दिया, नहीं ड्यूटी भी बल्कि डाल दिया, आप लोग नशा बंदी करेंगे, शराब बंदी करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बियर बार, डांस बार, सुट्टा बार, पता नहीं कौन कौन सा बार खोल लेंगे लोग।